देखिए, देश में जारी कोरोना संकट के बावजूद एक राहत की खबर आई है। वित्त मंत्रालय द्वारा सितंबर महीने के लिए जारी की गई मंथली इकोनॉमिक आउटपुट रिपोर्ट से इसके संकेत मिले हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना है कि कोरोना संक्रमण के ज्यादातर मामले सामने आने के बाद भी भारत आर्थिक पक्ष पर मजबूत हो रहा है। रिपोर्ट में 17 से 30 सितंबर तक 14 दिनों के डेटा के मुताबिक देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में गिरावट देखी गई है, जबकि रोजाना हो रही औसत टेस्टिंग प्रक्रिया में भी तेजी आई है। हालांकि रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि देश में फिलहाल कोरोना का खतरा टला नहीं है। मेरे साथ मेरी सहयोगी अवनी यहां पर ज्यादा अपडेट के जुड़ गई है। अवनी, क्या कुछ हुआ है और इस आउटलुक रिपोर्ट में? बिल्कुल अनिया, ये आउटलुक रिपोर्ट जो है मंथली इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट है फाइनेंस मिनिस्ट्री का, जिसमें कहा है कि भारत ने शायद से पीक जो है कोविड 19 पैंडेमिक का वो पार कर चुका है भारत, और अभी इकोनॉमिक रिकवरी की तरफ जो है वो पूरा फोकस रहेगा। और इकोनॉमिक रिकवरी जो पिछले कुछ महीनों जब से अनलॉक शुरू हुआ है, जब से मतलब पूरी अनलॉक की गाइडलाइंस आती रही है, तब से इकोनॉमिक रिकवरी शुरू हुआ है। और जो मंथली जो पैकेज भी गवर्नमेंट ने दिया है, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इकोनॉमिक पैकेज दिया है, उसके तौर पर भी इकोनॉमिक रिकवरी में बढ़ोतरी आई है। और उसके अलावा ये भी कहते हैं कि जो डेली पॉजिटिव केसेस है, जो पॉजिटिविटी रेट है, वो कम होते जा रही है और डेली टेस्ट अभी बढ़ते जा रहे हैं, और यही एक दूसरा कारण है जिससे जो वो जो रिकवरी कोविड में कम आती रही है अनुया। और लेकिन ये भी कहा है कि जो पैंडेमिक है अभी हम है। उसमें अभी है और वो अभी तक गया नहीं है अनुया। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अवनी इस तमाम अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए।